गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से हम अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। अपना जो यूनिट टेस्ट सेकंड आ रहे हैं, 16 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसका अपन रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, संख्या पद्धति, जिसमें देखिए हमें स्थानीय मान के बारे में मैंने आपको समझा चुकी हूँ। स्थानीय मान कैसे ज्ञात किया जाता है, किसी भी संख्या का आपको कोई सा भी अंक दे दिया जाएगा और कहेंगे कि भाई इसका आप स्थानीय मान बताइए, तो इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखिए कैसे करते हैं। जैसे देखिए अभ्यास 4 है, इसमें निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। तो इसमें प्रश्न एक है ये, स्थानीय मान लिखिए। तो देखिए जैसे इसमें नंबर 1 है, 375 दे दिया आपको। जैसे टेस्ट यूनिट टेस्ट होगा तो उसमें आपको संख्या में से कोई सा भी अंक दे दिया जाएगा। जैसे आपसे कहें कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपना ही ध्यान रखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा, बस आपको इतना ध्यान है। तो आपको किसी भी संख्या का कोई सा भी जो अंक पूछा जाएगा वो आप आराम से बताएंगे। अब जैसे 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि 5 का स्थानीय मान इकाई है, तो 5 × 1 यानी 5। अब देखो 7 का स्थानीय मान क्या है, दहाई यानी 7 × 10, तो कितना हो गया 70। 3 का स्थानीय मान क्या है, 3 का स्थानीय मान सैकड़ा है यानी 3 × 800 यानी 300। बस इस तरह से जिस भी संख्या का आप देखिए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन 2 बता दूं, इसमें भी है जैसे 234 है, तो सबसे पहले लिखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा। 4 का स्थानीय मान क्या हुआ, 4, क्योंकि 4 × 1 इकाई है ना, इसलिए 4। 3 का स्थानीय मान क्या है, दहाई यानी 3 × 10 30। 2 का स्थानीय मान क्या है, सैकड़ा यानी 2 × 100 यानी क्या हो गया 200। तो किसी भी संख्या का किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान पूछा जाए तो आप इससे आराम से बता सकते हैं। देखिए जैसे इसमें प्रश्न 2 में निम्नलिखित संख्याओं में से केवल 6 का स्थानीय मान बताइए, कहने का मतलब यही है जो भी आपसे, लेकिन स्थान बदल गया है तो आपको बताना होगा। फिर है बॉक्स में लिखिए अंकों का स्थानीय मान बताइए, और निम्नलिखित संख्याओं में 5 का स्थानीय मान बताइए। आप देखिए जैसे प्रश्न 5 है, निम्नलिखित संख्याओं में 6 निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान, जैसे मैंने ये बताया प्रत्येक अंक का स्थानीय मान, तो वो आपको करना है। तो इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। आप देखिए जैसे इसमें प्रश्न 5 है, इसमें स्थानीय मान 5 का ही बोला गया है। प्रश्न 2 में जैसे 6 का बोला था, ऐसे ही 5 में 5 का बोला गया है। तो जिस भी अंक का, जैसे अभी इसमें प्रश्न 2 में देखिए, इसमें 647, सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये ध्यान कर लीजिए। अब इसमें 6 का पूछा गया है, तो 6 का स्थानीय मान क्या है, सैकड़ा यानी 600। बस तो आपको इसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ऑप्शन में से आपको राइट आंसर जो भी है वो आपको जो विकल्प दे दिए जाएंगे क, ख, ग, और उसमें से आपको राइट आंसर है उस पर आपको टिक लगाना है। तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्थानीय मान आप आराम से कर सकते हैं। देखिए जैसे ये प्रश्न 3 हो गया, 3 में देखिए, 3 में आपको जो बॉक्स बना के दिया हुआ है उसमें से उस अंक का आपको बताना है स्थानीय मान। प्रश्न 4 में देखिए, बॉक्स में लिखे अंकों का स्थानीय मान। प्रश्न 5 में क्या, निम्नलिखित संख्याओं में 5 का स्थानीय मान। अब देखिए जैसे प्रश्न 5 है, इसमें 356, इसमें 5 का स्थानीय मान पूछा गया है, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, सबसे पहले इकाई, दहाई और सैकड़ा। बस 5 का स्थानीय मान क्या है, दहाई है यानी 50, 5 × 10 क्या हुआ 50। ऐसे ही देखो, ये तो नंबर 1 है इसका, नंबर 2 इसमें 563, अब इसमें फिर वही इकाई, दहाई और सैकड़ा,
आप पांच का स्थानीयमान देखो क्या है, सैकड़ा यानी 500, 5 × 100 तो 500 हो गया। इसी तरह से देखिए इसमें नंबर 4 में इसमें दिया हुआ है 275, तो इसमें 5 का स्थानीयमान क्या है, इकाई, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5, 5 × 1 क्या होगा 5। तो इस तरह से अब आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, इस चैप्टर की। अब हम रोजाना एक एक चैप्टर लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और रिवीजन अपना ये चल रहा है, तो अब आप क्या करना है इसमें अभ्यास 4 जो है ये पेज नंबर 12 और 13 ये तो मैंने करवा दिया, इसके अलावा अब आपको क्या करना है, प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें आपको इनके प्रश्न 3, 4 हर एक क्वेश्चन के प्रश्न 3 और 4 करेंगे। प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5, 6 ना, इसमें से प्रश्न 3 और 4 सबके आपको करने हैं। तो देखिए आपका होमवर्क क्या है, 2 क्वेश्चन 3, 4 ऑफ 1, 2, 6 ऑफ क्वेश्चन 1, 2, 6 एक्सरसाइज कौन सी है आपकी, ये पेज नंबर लिख लेते हैं, पेज नंबर 12, 13 ये आपको अपनी नोटबुक में एंड नोटबुक ये आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।